गोंडा जिले में 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर प्रतियोगिता की विजेता बनने के लिए आतुर महानगर की बेटियां कुशल प्रशिक्षक के नेतृत्व में लगातार 2.5 घंटे कड़ी मेहनत कर पसीना बहा रही हैं। आगामी प्रतियोगिता के लिए मंडल से 16 लड़कियां का चयन किया गया है, जिन्हें जिला सचिव अहमद खान के नेतृत्व में कोच विशाल और उत्तर प्रदेश पुलिस के इरशाद खिलाड़ियों को जरूरी जानकारियां देकर उन्हें परिपक्व बना रहे हैं। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सभी 16 खिलाड़ियों को फुटबॉल के नए नए तरीके बताकर उनके अंदर जीत का जज्बा भरने का काम प्रशिक्षक कर रहे हैं, जिससे विरोधियों पर जीत हासिल कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फुटबॉल खिलाड़ी सुष्मिता विश्वकर्मा और जिला फुटबॉल सचिव हमजा खान ने कहा। क्या करना पड़ेगा? मेरे पास बॉल है, मेरे ऊपर प्रेशर ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बैलेंसिंग प्लेयर है वो गैप बनाओ। बाकी खिलाड़ी मुझे गैप नहीं देगा, मैं फायदा क्या आया? तोड़ना कैसे हुआ? टाइम कम लगेगा, भीड़ तोड़ कैसे पाओ? हमें भीड़ को तोड़ना है, उधर से बॉल है, फिर हम उन्हीं की तरफ खेल रहे हैं। खेलो, क्या फायदा? कोई फायदा है तो दूध डाइवर्ट होता रास्ता अख्तियार कर लिए तो जो पीछा करने वाला था वो कंफ्यूज हो गया, अरे किधर से गई है बात? हमें वही चीज़ फुटबॉल है और क्या है बात? नहीं आप समझ रहे हो? यस सर, अब करना ऐसा तो करके खिलाना होगा। एक बार डिफेंडर हो क्या हुआ? ग्राउंड तक पोल टू पोल सुनाई दे। अच्छा इतनी आवाज आए, गोलकीपर भागता तो है नहीं? भागता गोलकीपर कैसे वार्म अप रहता है? बोलने से एक घंटा लगातार बोल दो, देखो पसीना पसीना हो जाओ। तो ये चीज आपको तुम्हारी वहीं से एबिलिटी इम्प्रूव होगी। सब प्ले देखो अरे बाल सब प्ले चल जा। अब इसमें टच इनडायरेक्ट बनाना, इसमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट, वो क्या था? डायरेक्ट, रेफरी का इशारा, कोई हाथ नहीं ऊपर, हाथ नीचे है तो समझ लो डायरेक्ट फ्री किक है, हाथ ऊपर किया है तो इनडायरेक्ट, ठीक है? तो इनडायरेक्ट बनाना, इसमें इनडायरेक्ट बनाना, एक आदमी बॉल पे आ जाओ मेरे सामने, इसी पे तुम्हें मारना है, लेट्स गो। हां समझे? ये कितनी हो गई वेरिएशन? वेरिएशन यूज कर सकते हो, दो चीज बना सकते हो, खेल मुझे। सुष्मिता विश्वकर्मा। सुष्मिता कैसी तैयारी कर रही हो? ये दीनदयाल उपाध्याय फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाला है सीनियर, वहाँ गोंडा में, उसी की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो क्या लग रहा है? हमारी टीम फाइनल खेल के आएगी, फाइनल जीत के आएगी। मेहनत कर रही हो? यस सर। कितनी देर मेहनत कर? पूरे 2-2.5 घंटे। हमजा खान मेरा नाम है, फुटबॉल सचिव गोरखपुर। ये किस तरह की प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है? ये फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पे खेला जाएगा, जो डायरेक्टेड उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा आयोजित है, और इसको गोंडा में संपन्न होना है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, जिसमें 18 मंडल की टीमें प्रतिभाग करेंगी गर्ल्स की। गोरखपुर मंडल की टीम का कैंप लगाया गया है, इनको एनर्जी और उत्साहित और ये करने के लिए, जिससे इनका एक्सपोजर हो, और ये प्रतियोगिता जीत के आए इसलिए इनका कैंप लगाया गया है लगातार फाइनल टीम सिलेक्शन के बाद।
किस तरह के कोच तैयारी की, कौन से कोच हैं? और ये दोनों कोचेज एक यूपी पुलिस के काफ़ी अनुभवी कोच हैं जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल टीम के गर्ल्स के प्रत्येक वर्ष नेशनल टीम में प्रतिभाग कर रही टीम के कोच होते हैं, और दूसरे डायरेक्टरेट के कोच हैं विशाल। दोनों अपना एक्सपीरियंस ये गर्ल्स के साथ साझा कर रहे हैं और उनको अपना अनुभव और जीत के लिए जुनून उनमें पैदा कर रहे हैं। महानगर में महिलाओं के खेल को देखते हुए फुटबॉल जहाँ तक की बात है बहुत काफी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए किस तरह का आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो सामाजिक स्थिति है वो महिलाओं के पिछड़ने की जो बात कर रहे हैं, वो लड़कियां जो निकल के खेल के लिए आ जा रही हैं, एक आंदोलन के रूप में इसको लीजिए, इसलिए कि आज भी गार्जियन तैयार नहीं होता है मानसिक रूप से कि अपने बच्चों को खेल की तरफ भेजा जाए। फिर भी जो गार्जियन भेजते हैं बच्चों को खेलने के लिए, उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करता हूँ स्कूल टू स्कूल जाके कि अपने स्कूली बच्चों को जो गर्ल्स हैं उनको भेजें खेल की तरफ, मोटिवेट करें जिससे हम खेल में उनका प्रतिभाग करा सकें अधिक से अधिक और उनका उत्साहवर्धन हो सके।